व्यक्ति को बताएंगे कि ईवीएम चोर है और ईवीएम मशीन को तोड़ने काम करेंगे और भारत को हम विश्व गुरु था विश्व गुरु फिर से बनाएंगे। ये मशीन बंद नहीं की तो हर भारत की जगह पे ये मशीन उठना तय है। राम लहर से क्या होगा, बुद्ध लहर ज्ञान का लहर होगा तब देश का विकास होगा, लोकतंत्र का विकास होगा। अब भी बहन जी के पास समय है, अगर हमारे विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल खाती है तो हम सब लोग उनका समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ईवीएम जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करती, हाँ तो इनमें में धांधली करके वोट की सेटिंग की जाती है। अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार ईवीएम को नहीं हटाती तो 2024 में हम ईवीएम को फोड़ने का काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं सीबीएन और इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। आप देख रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में यहां पर तमाम बहुजन समाज के लोग यहां पर आए, चारों तरफ आप देख सकते हैं यहां पर लाखों की संख्या में यहां पर जंतर मंतर पर तमाम लोग हैं और मुद्दा सिर्फ एक ही है कि लोकतंत्र को बचाना है। जो लगातार ईवीएम को लेकर मुहिम चल रही थी, वामन मिश्रम कई सालों से जो है ईवीएम का विरोध कर रहे थे, उस विरोध के आज आप देख सकते हैं पूरे जंतर मंतर पर यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लगातार एक मुहिम चलाई जा रही थी वामन मिश्रम जी के द्वारा माध्यम से कि ईवीएम जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके का घोटाला है, लोगों की वोट चोरी हो रही है, लगातार इस तरीके का आरोप लगा रहे थे वो। लेकिन अब आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए और ये लड़ाई लोकतंत्र की हो गई है। और कहाँ से आए हैं? हम मध्य प्रदेश MP मंडला डिस्ट्रिक्ट से गाँव से आए हैं। मेरा गाँव का नाम छबरतला है और मैं शपथ लेता हूँ कि वास्तव में जिस देश ने ईवीएम बनाया, जिस देश ने ईवीएम बनाया उस देश में ईवीएम से वोट नहीं हो रहा है। और हमारे एक ऐसी देश है भारत जहां ईवीएम से वोट कराया जा रहा है, वोट से चोरी कराया जा रहा है, हम जनता को गुमराह कर जा रहा है। हम देश के कोने कोने से आए हैं यहां से जाकर और संकल्प लेंगे गाँव गाँव के लोग जगा कर और हर व्यक्ति को बताएंगे कि ईवीएम चोर है और ईवीएम मशीन को तोड़ने काम करेंगे और भारत को हम विश्व गुरु था विश्व गुरु फिर से बनाएंगे। यहाँ पर लाखों की संख्या है, देखिए आप लगातार यहाँ पर इस तरीके की बातें चल रही है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर जी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, हम ईवीएम के खिलाफ यह जंग लड़ने के लिए आए हैं माननीय आदरणीय वामन मिश्रम साहब के नेतृत्व में यह ईवीएम के विरोध में। 10 सालों में नहीं, खड़े तो हुए हैं लेकिन ईवीएम की वजह से उनको वोट नहीं मिला है। हाँ, बैन करेंगे। अंबर सर जिला, अंबर सर हूँ। हाँ जी, आंदोलन का कुछ असर पड़ेगा सरकार? हाँ जरूर पड़ने वाला है, आप इतने पैगाम में आए लोग तो पड़ेगा ही ना। लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी? मानना ही पड़ेगा, हम जनता है, हम उन हमारे भरोसे पे वो बने हैं, हम उनके भरोसे पे नहीं है। हमने क्या रही है, तो क्या कमी रही है, काय की क्या कमी रही है सरकार की? शिक्षा खत्म कर दिए, रोजगार खत्म कर दिया है, जो सरकार ने वादे किए थे वो सब कुछ खत्म कर दिया और क्या करना है? अरे गारंटी दे रहे हैं मोदी जी। गारंटी कहाँ से देंगे, उनके पास खुद की गारंटी नहीं है, वो उनको दूसरा मोहन भागवत चला रहा है, वो खुद की क्या गारंटी देंगे? क्या लग रहा है इस बार 2024 में क्या होगा? 2024 में उन्होंने ये मशीन बंद नहीं की तो हर भारत की जगह पे ये मशीन उठना तय है। क्या बहुजन समाज के और लोग भी तो नहीं है ना सड़कों पर? सब ये बहुजन लोग ही है। तमाम नेताओं की बात कर रहा हूँ सर। वो उनके मान पान सम्मान के लिए अलग अलग जगहों पे आए हैं। जो बहुजनों का जो सच्चा नेता है माननीय वामन मिश्रम है। हाँ देखिए यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, योगी की नगरी से आए जी। इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र सब खा जाएंगे, लोकतंत्र बचेगा नहीं, इसलिए वामन मिश्रम के नेतृत्व में हम लोग राम मंदिर से क्या होगा, शिक्षा नहीं बनवाया, शिक्षा का मंदिर नहीं बनवाया, शिक्षा का मंदिर ध्वस्त हो जा रहा है, लोकतंत्र ध्वस्त हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इस आंदोलन में भागीदारी ली। राम लहर से क्या होगा, बुद्ध लहर ज्ञान का लहर होगा तब देश का विकास होगा, लोकतंत्र का विकास होगा। वामन मिश्रम के नेतृत्व में हम लोग सरकार बदलेंगे। बहुजन समाज पार्टी वामन मिश्रम का जो फैसला होगा हम लोग उनके साथ है जी। लगातार इस तरीके की बातें हैं। कुछ और
यूपी के बस्ती जिला थे। सभी साथी अपना आए हैं। आज मैं बस्ती जिला का जिला अध्यक्ष हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी के, और जो बहुजन मुक्ति पार्टी है बहुजन क्रांति मोर्चा का जाहिर समर्थन करती है, और यहाँ जंतर मंत्र हम लोग उपस्थित हुए जो ईवीएम का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको तमाम लोग काम नहीं करते? नहीं नहीं, पूर्ण रूप से तमाम लोग काम ना करने की वजह थी ईवीएम है, क्योंकि ईवीएम तो उनको पूर्ण विश्वास होता है कि हम ईवीएम चुनाव जीत लेंगे, काम करे या ना करे। अगर सरकार यह पूर्ण रूप से कही रही है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अभी बहुत ही जल्द जब मेयर की चुनाव हुई 70 सीट पर मेयर की चुनाव, 70 ईवीएम के माध्यम से चुनाव ईवीएम के माध्यम बीजेपी के लोगों ने जीता, और यही हमारे गोरखपुर में एक मेयर की जब सीटें थी चेयरमैन की, उसमें काजल निषाद जब चुनाव जीत रही थी, तो जो ईवीएम में जो वोट पोल हुआ उससे कम 10,000 वोट अधिक निकला, और काजल निषाद रोने लगी और चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी बात को नहीं सुनाया गया। मान्य अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया, मान्य बहन जी ने भी ट्वीट किया, किसी की बात को नहीं सुना गया, और ईवीएम के माध्यम से काजल निषाद को चुनाव हरा दिया गया। बहुजन समाज की बड़ी पार्टी है, अगर अब भी बहन जी के पास समय है, अगर हमारे विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल खाती है, तो हम सब लोग उनका समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं, मैं लगातार लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अलग अलग राज्यों से, अलग पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं, और जो चुनाव हो रहा है तो चुनाव ठीक नहीं हो रहा है, ईवीएम मशीन में चुनाव हो रहा है, तो हमको चुनाव मशीन में नहीं करना चाहिए, हमको बैलेट पेपर पर चुनाव होना, ये मशीन से चुनाव नहीं होना है। ईवीएम में गड़बड़ है, नहीं नहीं, सरकार झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रही है सरकार झूठ बोल रही है, लेकिन सबके दिमाग में आ गए हैं, 10-15 साल हो रहे हैं सरकार ऐसे गुमराह कर रही है, लोगों के दिमाग में नहीं आई बात, लेकिन इतने सालों से देख देख के ऐसा कैसा एक ही इंसान चुन के आएंगे, इसीलिए वो मतलब सरकार झूठी है, और इसीलिए वो मशीन झूठी है, जो जनता बोल रहा है वही सही है। हरियाणा से है जी, हम जी ईवीएम के विरोध में, क्या गड़बड़ है ईवीएम जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करती, हाँ तो इनमें में धांधली कर रही, वोट की सेटिंग की जाती है, कौन कह रहे जी, इलेक्शन कमीशन भी मैं शामिल है, इनके इलेक्शन कमीशन भी शामिल है इसमें, धांधली के अंदर है ईवीएम कमीशन में, इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इसके अंदर है। सरकार पहले तो जी रिक्वेस्ट है सरकार से कि ईवीएम को बंद किया जाए, अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार ईवीएम को नहीं हटाती तो 2024 में हम ईवीएम को फोड़ने का काम करेंगे, गैर संवैधानिक ये गैर संवैधानिक है, जनता सारी पब्लिक है जो रोड पे उतर रही है ईवीएम के विरोध में, फिर भी सरकार नहीं मान रही, तो ये गैर संवैधानिक नहीं है, सरकार किसके लिए बनी हुई है, जनता के लिए बन रही है। हाँ हम चाहते हैं जी बैलेट पेपर से चुनाव हो, अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं करवाती इसके बावजूद अगर सरकार तानाशाही करती है तो फिर 2024 में बैलेट पेपर को न के नाम ईवीएम को हम फोड़ेंगे जी। आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं, और मामला सिर्फ यही है इस देश को लोकतंत्र को बचाना है, वो लोकतंत्र जो हमारे संविधान में जिसकी व्याख्या बहुत ही अच्छे से की गई है, उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं।